आ रही है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हर जगह अब देखिए अलर्ट है, जिस तरह से जेएनयू कांड हुआ इसको लेकर अब लखनऊ से बड़ी खबर, जेएनयू कांड को लेकर यूपी में अलर्ट कर दिया गया है। यूपी के कई विश्वविद्यालयों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जेएनयू कांड के बाद यूपी के कई विश्वविद्यालय इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। विश्वविद्यालय में पुलिस सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी में भी अलर्ट किया गया है। प्रदर्शन की आशंका को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरह से हिंसा हुई कल जेएनयू में उसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। बीएचयू कैंपस में भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा में इजाफा हुआ है जेएनयू कांड को लेकर। अब यूपी पूरी तरह से अलर्ट है। यूपी के कई विश्वविद्यालय अब अलर्ट मोड पर, अलर्ट जारी कर दिया गया है विश्वविद्यालयों में। विश्वविद्यालयों में पुलिस की सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्रयागराज, चाहे वाराणसी, हर जगह अलर्ट है। प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फोर्स तैनात कर दी गई है। बीएचयू कैंपस की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अवैस हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से सीधे। अवैस, कहा जा रहा है कि जो छात्र एडमिट थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। कहां गए वो छात्र, वापस हॉस्टल या अपने घर को? कुछ बयान दिया उन्होंने बाहर आने के बाद? जी बिल्कुल, जिन छात्रों को, जो 18 छात्र एम्स में कल रात में इस घटना के बाद एडमिट हुए, तो उन सभी छात्रों को एम्स में जो है फास्ट एड देने के बाद रात में ही डिस्चार्ज कर दिया था, और सभी छात्र जो हैं वो अब हॉस्टल के और कैंपस में मौजूद हैं। हालांकि एक बड़ी खबर मैं बता दूं आपको कि सुबह में जब पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था, उस दौरान पुलिस को के फ्लैग मार्च को रोकने की कोशिश की गई, और साबरमती हॉस्टल, जो हॉस्टल है जेएनयू में, वहाँ पे टी पॉइंट है उसके पास, वहाँ पे छात्रों ने रोका। उसके बाद फिर कन्वेंशन सेंटर की तरफ जो है वो पुलिस जाने लगी, तो वहाँ भी पुलिस को रोका गया। उसके बाद फिर पुलिस को लगातार छात्र कोशिश कर रहे थे कि पुलिस को कैंपस के अंदर फ्लैग मार्च ना करने दिया जाए, तो हालांकि फ्लैग मार्च उसके बावजूद भी पुलिस ने किया है। फिलहाल अगर अभी की स्थिति की बात करें तो जेएनयू में धारा 144 लागू है कल रात से ही, और पुलिस भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है, छात्र लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन अवैस, कौन लोग थे जो पुलिस को फ्लैग मार्च करने के लिए रोक रहे थे? अगर पुलिस जाती है, मदद करती तो सवाल खड़े होते, नहीं करती तो भी सवाल खड़े होते। कौन लोग पुलिस को रोकने की कोशिश कर रहे थे? अगर वो शांतिपूर्ण फ्लैग मार्च कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे तो? जी बिल्कुल, कल देर शाम में जब बवाल हुआ जेएनयू में, उसके बाद फिर जो छात्र हॉस्टल में थे वो गेट, मेन गेट पर आए और प्रदर्शन कर रहे थे। शायद वही छात्र वो थे जो लगातार प्रदर्शन पे वहाँ बैठे हुए हैं और FIR दर्ज करने की मांग करें, और यही विरोध उनका है कि आप यहाँ फ्लैग मार्च मत करिए, पहले FIR दर्ज करिए, पहले कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद फिर कैंपस में। अभी माहौल कहा जाए तो एक तरह से सामान्य है, स्थिति सामान्य है। हालांकि पुलिस फ्लैग मार्च करने की कोशिश कर रही थी, जिसको रोका गया दो बार, एक बार साबरमती टी पॉइंट के पास रोका गया, उसके बाद फिर कन्वेंशन सेंटर की तरफ जब पुलिस फ्लैग मार्च के लिए निकली तो उस दौरान भी उनको रोका गया। उसके बावजूद भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हालांकि छात्रों का आरोप यह भी है कि 4 बजे पहली बार PCR को कॉल जो है वो किया गया, उसके बाद देर शाम तक 90 कॉल जो है वो PCR को किया गया, उसके बावजूद भी पुलिस देर से आई, और जब पुलिस आई तो बाहर गेट के खड़ी रही। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि जब तक हमें प्रशासन से, मतलब यूनिवर्सिटी प्रशासन से परमिशन नहीं मिल जाती है, तब तक हम अंदर नहीं जाते, और जैसे ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमें परमिशन दी उसके बाद फिर हम अंदर गए थे। तो छात्र सवाल खड़ा कर रहे हैं पुलिस के ऊपर भी, और पुलिस जो है वो ये कह रही कि प्रशासन की तरफ से हमें कैंपस में एंट्री करने की परमिशन नहीं थी, और जब तक यही प्रावधान है हटाने की कोशिश करी, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। लेकिन देखिए अवैस, सवाल यही है कि छात्र हैं किस गुट के, ABVP के छात्र गुट के हैं या फिर लेफ्ट के हैं जो प्रदर्शन में बैठे हुए? जी देखिए, दो विचारधाराओं के छात्र जो हैं उनमें लड़ाई हुई थी। अब ये किस, ये कहा जा रहा है कि दोनों विचारधारा के जो छात्र हैं, दोनों संगठन के छात्र हैं, वो लगातार कल शाम में प्रदर्शन कर रहे थे, मगर जो आज सुबह में फ्लैग मार्च में रोका गया था वो लेफ्ट पार्टी या दूसरे समर्थित दल जो हैं उनके छात्र थे। उनका यही कहना है कि जिस तरह से जेएनयू में लाठीचार्ज हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, गुंडागर्दी हुई है, उसको लेके पहले FIR दर्ज की जानी चाहिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके फ्लैग मार्च करिए, कोई आपत्ति नहीं। तो लगातार छात्रों की यही डिमांड है। लखनऊ से सीमाप भी जुड़ चुके हैं, सीमाप का रुख करते हैं क्योंकि पूरे यूपी में अलर्ट कर दिया गया है। हर विश्वविद्यालय में कहा गया है कि पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब बस आप कैसे देख पा रहे हैं, कहां कहां आप लखनऊ में देख पा रहे हैं कि पुलिस ने फोर्स को तैनात किया हो, पुलिस की तैनाती बढ़ाई हो? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में हम खुद मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे अभी भी फोर्स तैनात है, क्योंकि ये अलर्ट एक तरह से जारी कर दिया गया था, सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं यहाँ भी, क्योंकि जो समाजवादी छात्र सभा के लोग हैं या
सारे लोग हैं, तो ये लगातार पिछले जब सीए का विरोध चल रहा था तो यूनिवर्सिटीज में तमाम हो रहा था, तो इन लोगों ने लखनऊ कैंपस में भी विरोध किया था। वापस आएंगे सीमा आपके पास हम, लेकिन फिलहाल देखिए हमने आपको तस्वीरें दिखाई, सीमा हमें दिखा रहे थे कि किस तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है ताकि वहां पर कोई हिंसा ना हो पाए। पिछले दिनों हमने देखा था कि सीए को लेकर छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ देखा जा रहा है। अवैध का रुख करते अवैध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवैध, हमने ये भी सुना है कि कल जो एबीवीपी के अध्यक्ष थे उनका यह कहना था कि हमारे 11 हमारे साथी जो हैं वो अभी तक गायब हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई अगर गायब हैं तो अभी तक वो वापस आ पाए हैं क्या? बिल्कुल, ये छात्र नेताओं का कहना है, दोनों साइड के नेताओं का कहना है कि दोनों ही साइड के कुछ छात्र जो हैं वो गायब हैं, लेकिन ना तो पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी किया गया है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके, ना ही यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है कि यहाँ कोई छात्र जो है वो कैंपस से गायब है। फिलहाल क्योंकि आज जिस तरह से कल रात में प्रदर्शन हुआ है, ITO पे भी पुलिस हेडक्वार्टर के पास प्रदर्शन हुआ था, जामिया के छात्र भी शामिल हुए, तो जामिया में आज यूनिवर्सिटी काफ़ी दिनों बाद खुली तो वहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और छात्रों को आई कार्ड देखने के बाद ही जामिया में एंट्री दी जा रही है। आज जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आज पेपर भी होना है, तो एग्जाम का भी दौर है और छात्र प्रदर्शन भी करें तो ऐसे में हो सकता है कि आज थोड़ा सा प्रदर्शन JNU के समर्थन में तेज हो जाए, मगर पुलिस जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, जामिया हो, सभी जगह मुस्तैद और सुरक्षा के इंतजाम। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आएंगे। अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से भी जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र, उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, प्रयागराज में भी सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है, वहां पर भी विश्वविद्यालय में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, वहां पर किस तरह से आप अलर्ट देख पा रहे हैं अभी? देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, उसके संबद्ध जितने भी डिग्री कॉलेज है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले भूतपूर्व सैनिक वहां पर सुरक्षा की कमान उनके पास रहती थी, लेकिन अब सिविल पुलिस के जवान के आसपास वहां पे तैनात कर दिए। इस तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आसपास सही थी जिससे उसमें संबद्ध जो भी डिग्री कॉलेज है उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जी, तो काफी फोर्स वहां पर तैनात है धीरेन्द्र, लेकिन फिलहाल भी जो वहां पर जो छात्र हैं उनका क्या कुछ कहना है? वो अगर प्रदर्शन करते तो शांतिपूर्वक करेंगे या फिर वो शांतिपूर्वक बैठेंगे और पुलिस को जांच करने देंगे? देखिए, अभी चूंकि कुछ दिनों पहले यहाँ पर विरोध को लेकर CA और NRC को विरोध को लेकर धारा 144 लगा दी गई थी और किसी भी तरीके की कोई प्रदर्शन पर यहाँ पर जिला प्रशासन ने रोक लगा रखी है, तो इस तरह के अभी तक किसी भी प्रदर्शन की छात्र संगठन कोई ऐसी बात नहीं सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस मुस्तैद है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी तरीके का प्रदर्शन पुलिस यहाँ पे धारा 144 को उल्लंघन मानेगी। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए धारा 144 का उल्लंघन भी मानेगी और साथ ही साथ देखिए कल तक तो छुट्टी ही थी, वहां पर भी छुट्टी कर रखी गई थी क्योंकि हर जगह जब हिंसा हुई थी सीए को लेकर तब कहा गया था छात्रों को कि वो अपने घर जा सकते हैं। अभी वहां पर छात्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितनी संख्या में वहां पर छात्र होंगे इस वक्त धीरेन्द्र, लगभग क्या अनुमान हो सकता है? सारे छात्र वापस आ चुके हैं क्या विश्वविद्यालय? देखिए, सीए को लेकर पहले दो दिनों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया था, उसके बाद वहां पर शीतकालीन अवकाश हो गया था और बच्चे अपने अपने घरों को आ गए थे। जो परीक्षाएं उस बीच होनी थी उन परीक्षाओं को भी टाल दिया गया था, लेकिन अब ये जनवरी के फर्स्ट वीक में उन परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है, तो जो बच्चों के अब जिस सेमेस्टर के जिस तारीख पर उनका एग्जाम है वो अपने घरों से आ रहे हैं और अब हॉस्टलों में भी चहलकदमी बढ़ गई है क्योंकि जो ठंडी की छुट्टियों में घर। चलिए धीरेन्द्र, आप नजर बना के रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रोहित सिंह वाराणसी से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित का रुख करेंगे, रोहित जगह जगह प्रदर्शन की आज संभावना जताई जा रही है, आप कैसे देख पा रहे? पुलिस कहाँ तैनात कर दी गई है? सिर्फ विश्वविद्यालयों में ही तैनाती या फिर और भी कहीं पुलिस को तैनात किया गया है जहाँ पर आशंका हो? देखिए, वैसे तो कैद को लेके काफी दिनों से शहर के जो प्रमुख संवेदनशील इलाके हैं फोर्स काफी संख्या में तैनात है, लेकिन JNU की घटना को देखते हुए अब काफी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के आसपास अतिरिक्त फोर्स बढ़ा दिया गया। इससे पहले भी काफी झड़प की घटनाएं विश्वविद्यालय परिसर में देखने को मिली थी जिसके कारण एहतियात पहले से ही बढ़ता जा रहा है। रात की घटना के बाद से छात्रों में आक्रोश है, इक्का दुक्का एक एक जगह पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उम्मीद है कि शायद 11 या 12 बजे के आसपास BHU गेट पे निकल के छात्र
फिर से प्रदर्शन करें। बहरहाल एहतियात के तौर पर काफी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है कि जेएनयू जैसी घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पे वाराणसी में न होने पाए। बिल्कुल, तो देखिए पुलिस पहले से अलर्ट है और अपनी तरह से छात्रों को समझाने की भी कोशिश लगातार जारी है। लेकिन रोहित, देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाई। वापस आएंगे आपके पास।